पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बना दिया था ना, और इसको हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं? विश्व में कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, मुस्लिम राष्ट्र अनेक है, ईसाई राष्ट्र अनेक है, लेकिन हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं है। और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। यहाँ का भी सोच है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हम लोग का भी सोच है हिंदू राष्ट्र बनाना है। यवर्त सिंह, आप कहाँ से आए हैं? बेगूसराय, बिहार। बेगूसराय से इतना दूर से आ गए हैं, क्या चीज आपको अच्छा लगा कि आप बेगूसराय से पटना आ गए? बाबा का सब कुछ अच्छा है, इसमें बाबा का कुछ गड़बड़ नहीं है। और बाबा का सोच जो है ना, वो हम लोग के सोच से मिलता है। अच्छा। इसलिए हम बाबा से जुड़ गए हैं। अच्छा। राजनीति करके बंटवारा किया गया था, उस समय यहाँ के लोग जो थे गद्दी के लिए से हिंदू राष्ट्र नहीं होने दिए। अच्छा। पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बना दिया था ना, जी जी जी, और इसको हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंटवारा हुआ था उस समय, बांटे थे ना, होना चाहिए लेकिन होने नहीं दिया था। लेकिन हम लोग अब चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाए। यहाँ रहने में किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्र हिंदू होना चाहिए, सभी धर्म के। हाँ, रहे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे रह रहे वैसे ही रहेंगे, लेकिन इसका हिंदू राष्ट्र घोषणा होना चाहिए। और इस मुद्दे पर बाबा अपना काम कर रहे हैं? हाँ, एकदम इस मुद्दे पर बाबा काम कर रहे हैं। मतलब जितना भी हिंदू समाज के लोग है सपोर्ट टोटल कर रहा है हिंदू समाज के लोग। कुछ ऐसे ही अपभ्रंश नेता है जो कि जिसके दिमाग में समझ नहीं है, कीटाणु काटा हुआ, वैसे ही इनकी विरोध करते हैं। हाँ, नहीं तो अच्छा, सब वैसे ऐसे जो विरोध कर रहे हैं वैसे ऐसे लोगों को बाबा के शरण में आना चाहिए ताकि सद्बुद्धि खुले। हाँ, खुले एकदम आना चाहिए जी। जो बाबा को पटना आने से रोक रहे थे वैसे वैसे लोग को आके बाबा से मिलना चाहिए, बाबा से ज्ञान लेना चाहिए, समझे ना। किसी को देखिए, भारत स्वतंत्र है, आप किसी को कहीं नहीं रोक सकते हैं। ओबीसी आप रोकते हैं तो बाबा आएगा तो क्यों रोक रहे हैं? रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए। सब अपना अपना धर्म, बस अपना अपना काम कर रहे हैं। और हिंदू धर्म सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं जी। और तो खुशी होना चाहिए कि हमारा होना चाहिए, बस जी। जाति से उठ के बाबा काम कर रहे हैं, जाति कोई चीज नहीं है, इसे भी हम लोग भी मानते हैं। हम लोग हिंदू हैं, एक जाति है, और इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है। बाबा जी तो ये भी कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र हो और इसमें सभी धर्म का लोग हो, मुझे किसी में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम भी बोलते हैं जी, रहने में किसी को दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और आज तक भारत में किसी भी धर्म को किसी भी तरह का टेस्ट नहीं। जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदू को सताया जाता है, उस तरह से हमारे देश में हिंदुस्तान को तो वहाँ इतना सताया जाता है कि नाम नहीं लीजिए, जीना मुश्किल है। वहाँ रोता है, बहु बेटी का इज्जत लूट लेता है, यही स्थिति है वहाँ। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं, हमारा भारत एकदम सर्व धर्म संपन्न देश है। हाँ। और सब भाई मिलके रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन हिंदू राष्ट्र से बनाना है जी। बस मुद्दा यही है। अच्छा, खास करके युवा सब जो अपने हिंदू समाज के हैं उसे क्या मैसेज देना चाहते हैं? युवा सबको देना चाहते हैं कि जितने भी युवा हैं ईमानदार बने, पढ़ लिख के अच्छा शिक्षा ग्रहण करें और देश के लिए काम करें। देश को आगे बढ़ाना है तो बढ़ाना है। थैंक यू। और जैसा कि आपने देखे हैं कि यहाँ पे एक चाचा जी है जो बहुत ही अच्छे तरीका से इन्होंने हिंदू राष्ट्र में बताया है कि हमारा देश जो है हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा आज कंट्री है जो अपने धर्म से यानी कि संबोधित किया जाता है उसका राष्ट्र उस तरह से घोषित किया गया है। बहुत सारे कंट्री ऐसा है जो मुस्लिम राष्ट्र घोषित हुआ है, लेकिन आज तक हमारा भारत देश अभी तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ है। तो बाबा जी भी चाहते हैं कि हमारा भारत देश है जो हिंदू राष्ट्र घोषित हो, इसके लिए हमारे भारत के हर एक युवा को यानी कि बाबा के सपोर्ट में आना चाहिए और फुल सपोर्ट करना चाहिए। बबलू कुमार, आप कहाँ से आए हैं? बिद्दुपुर स्टेशन, जिला बोलिए ना, वैशाली जिला। वैशाली जिला से बाबा कितने दिन से जुड़े हैं? करीब 6 महीना से। 6 महीना से बाबा के अंदर क्या चीज आपको अच्छा लगा कि जुड़ गए? भक्ति अच्छा लगा। क्या नाम है? रॉकी कुमार। आप कहाँ से आए? कटिहार जिला। कटिहार से इतना दूर से आ गए हैं? हाँ। बाबा जी से कैसे जुड़े हैं? ऑनलाइन मोबाइल पे जुड़े थे। अरे यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे कथा हो? ये मेरे मौसा यही बताए थे। अच्छा, आपका मौसा जी बताए? हाँ। अच्छा, बाबा जी का क्या चीज अच्छा लगता है आपको? भक्ति। अच्छा लगता है। हाँ, मंजू देवी। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं नालंदा जिला से। नालंदा जिला से बाबा जी कितने दिन से जुड़े हैं? हम जुड़े हैं 6 महीना से। 6 महीना से बाबा जी का क्या चीज अच्छा लगा आपको? हमारा तो सब चीज अच्छा लगलन, लेकिन हमारा लड़का भाग गए है ला दिन तब ने। अच्छा, आप अर्जी लेकर आए हैं बाबा के दरबार में? हाँ। आप फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए एपिसोड के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।